हेलो गाइस, तो आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A52s। इसकी खास बात है इसके 5G के बैंड्स, ये 12 बैंड्स सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, 5G के ये 12 बैंड सपोर्ट करने वाला है। ये आपको 32,853 में सैमसंग के स्टूडेंट ऑफर में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट डिटेल्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे और साथ ही साथ में कुछ बैंक्स के भी ऑफर रहते हैं, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं और काफ़ी और बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे वो साइट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन है और यहाँ पे ऊपर में कवर में एक एनवलप यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो फ़ोन को हम फिलहाल साइड में रख देंगे और यहाँ पे एनवलप चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे एनवलप में हमें सिम इजेक्टर टूल देखने मिल जाता है और इसी के अंदर में यहाँ पे प्रोडक्ट गाइड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। कोई बैक कवर हमें देखने नहीं मिलता है यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे हमें चार्जर और चार्जिंग केबल मिल जाता है। ये चार्जर 15 वॉट का आउटपुट देता है मैक्स, और इसमें हमें पावर रेटिंग देखने मिल जाती है 9 वोल्ट 1.67 एम्पीयर। यहाँ पे एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग करके लिखा हुआ है। उसी के साथ में हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल देता है। ये टाइप सी टू यूएसबी ए केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, वाइट कलर में है। तो देखते हैं फ़ोन को, तो फ़ोन कुछ इस तरीके की पॉलीथीन पैकिंग में आता है, तो जल्दी से हम इसकी पैकिंग निकालते हैं। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा सैमसंग गैलेक्सी A52s है। तो इस तरीके का कुछ ये फ़ोन है। यहाँ पे पीछे में हमें मैट फिनिश देखने मिल जाता है कलर का, और ये साइड में कुछ ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, साइड में एक प्रोटेक्शन भी दिया है टेम्प्ररी। तो जल्दी से इसको बूट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सैमसंग गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स करके लिख के आ रहा है, तो नॉक्स की सिक्योरिटी हमें इसके साथ मिल जाती है। नॉक्स एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है सैमसंग की तरफ से, आप उसके बारे में गूगल करके देख सकते हैं। तो सिम कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड सेटअप देखने मिल जाता है सिम का। तो देखते हैं फ़ोन को, तो फ़ोन कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। मैट फिनिश है इसके बैक में, और इसमें डिस्प्ले में पंच होल कैमरा हमें मिलता है देखने, पंच होल फ्रंट कैमरा। और रियर कैमरा सेटअप की बात करते हैं, तो रियर कैमरा में हमें 4 कैमरेज देखने मिल जाते हैं और एक LED फ्लैश। तो 4 कैमरेज में से प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, जो कि है वाइड, और अल्ट्रा वाइड में 12 मेगापिक्सल हमें मिल जाता है, और साथ ही साथ में 5 MP का माइक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर भी 5 मेगापिक्सल का है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30fps तक ये सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ में 1080p 30 और 60fps तक सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन और HDR भी ये सपोर्ट करता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा में हमें 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने मिल जाता है, ये भी HDR सपोर्ट करता है, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी 4K 30fps तक जाती है। यहाँ पे नीचे में हमें एक 3.5mm का हेडफोन जैक, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल मिलती है, और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स और पावर की है। फ़ोन के वेट की बात करें तो 189 ग्राम्स का इसका वेट है, और फ़ोन की वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करें तो ये IP67 रेटेड है, स्पिल स्प्लैश एंड स्प्लैटर रेजिस्टेंट हम इसे कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमें वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, और फ़ोन 1 मीटर तक 30 मिनट के लिए वाटर रेजिस्टेंस बेयर कर सकता है, अप टू 30 मिनट्स। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले में हमें 6.5 इंचेस का इन्फिनिटी ओल्ड डिस्प्ले मिलता है, जो कि है फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और रिफ्रेश रेट की बात करते हैं, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पे मिलता है। तो डिस्प्ले तो यूज़ करते वक्त काफ़ी स्मूथ दिखता है। और ब्राइटनेस की बात करें, तो 800 निट्स की हमें ब्राइटनेस मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, तो ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिलता है, और काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट है। बैटरी की बात करें, तो बैटरी में हमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, और अप टू 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और हाँ, 25 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर हमें अलग से खरीदना पड़ेगा, बॉक्स में नहीं आता ये। और स्पीकर्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें सराउंड साउंड हमें मिल जाता है, दोनों स्पीकर्स यहाँ पे एक्टिव है, ईयरपीस और नीचे का स्पीकर्स भी चालू हो जाते हैं, और यहाँ पे सिनेमेटिक डॉल्बी एटमॉस साउंड हमें मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है इसमें। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मिलता है, ये 6nm का प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है प्रोसेसर का, गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ है। OS की बात करते हैं, तो इसमें एंड्रॉयड 11 प्री लोडेड है। और यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं, तो इसमें सैमसंग का One UI 3.1 वर्जन हमें मिल जाता है। इसमें 3 साल तक गारंटीड OS अपग्रेड्स हमें मिलने वाले हैं, ऐसा सैमसंग का प्रॉमिस है एज मेंशन इन द वेबसाइट। और बाकी के अदर डिटेल स्पेसिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा ऐप में हमें काफ़ी सारे फंक्शंस देखने मिल जाते हैं, कई प्रकार के फंक्शंस यहाँ पे है, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, और कई सारे नए फीचर्स भी देखने मिल जाते हैं। फोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी बुके इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखता है, और लो लाइट फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं, माइक्रो फोटोज़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमें मिल जाते हैं। तो ये कुछ सैम्पल शॉट्स है कैमरे से लिए हुए,
और बताना चाहूँगा फ्रंट कैमरा का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी कई सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं और फोटोज़ उसके भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ऐसा कुछ है सैमसंग A52S। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।